आज जहां बिटकॉइन दोस्तों लगभग एक घंटे में 12% ऊपर चली गई और उस ट्रेंड को कंटिन्यू रखा है बिटकॉइन ने, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, अभी बिटकॉइन जो है $38,500 के करीब ट्रेड कर रही है। और यहां से मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि बिटकॉइन $57,000 तक अगस्त के महीने में जा सकती है, मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में तो जा ही रही है, और इसके पीछे का राज क्या है दोस्तों, ये मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूं। काफ़ी एक्साइटिंग, काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्रिप्टो न्यूज़ आ रही है दोस्तों, जिसे हमने कवरअप किया है। और अगर आप हमारी वीडियो को रेगुलरली वॉच कर रहे हैं तो कल भी मैंने आप सभी को अपडेट कर दिया था वीडियो में कि बिटकॉइन जो है $35,000 को फिर से रिटेस्ट करेगा, और अगर बिटकॉइन उसे ब्रेक करता है तो बिटकॉइन ज़रूर से $36,000 to $38,000 के तरफ मूव करेगा। और आप यहां पे देख रहे हैं $38,000 की जो मार्क है उसे बिटकॉइन ने ब्रेक कर दिया है। अब आगे क्या होगा, बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव क्या होगी, साथ ही साथ एल्टकॉइन किस तरफ मूव करेगी, सभी कुछ आपको आगे बताएंगे वीडियो में। वीडियो काफी ज्यादा एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जरूर से वीडियो को टिल एंड वॉच कीजिएगा दोस्तों, वरना हो सकता है आप 10x प्रॉफिट कमाने वाली बात को मिस कर जाए, क्योंकि आज की न्यूज ही कुछ ऐसी है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे बढ़ चलते हैं सबसे पहले ओवरऑल मार्केट रिकैप की तरफ, फिर सीधे बढ़ेंगे आज के बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ की तरफ। तो जहां तक अभी हमें बिटकॉइन $38,500 के करीब ट्रेड करती हुई दिख रही है, और आगे न्यूज़ वाले सेक्शन में आपको पता चल जाएगा क्यों मैं कह रहा हूं बिटकॉइन नेक्स्ट मंथ $57,000 तक बिल्कुल आसानी से जा सकती है, और $50,000 तो दोस्तों जा ही रही है, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों, अगर बिटकॉइन यहाँ पे सस्टेन कर जाती है, अगर बिटकॉइन $38,000 के ऊपर सस्टेन कर लेती है, और जो एक मेजर सपोर्ट बिटकॉइन को जब तक $38,000 पे नहीं मिलता है तब तक बिटकॉइन यहाँ से पंप नहीं करने वाली, और अगर सस्टेन कर गई तो आप समझ लीजिए बिटकॉइन $42,000 को क्रॉस करेगी, जहाँ पे एक बिटकॉइन का मेजर रेजिस्टेंस है, और अगर बिटकॉइन उसे ब्रेक करती है तो $47,000 तक बिटकॉइन काफ़ी आसानी से नेक्स्ट वीक तक जा सकती है, और हो सकता है उससे पहले भी चली जाए, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिकली बहुत गुड न्यूज़ है दोस्तों मार्केट में, जो मार्केट को काफ़ी अच्छा पंप दे रही है। साथ ही साथ अमेज़ॉन की तरफ से क्या ऐसा बयान आया है, क्या ऐसे र्यूमर्स निकल के आई है जिससे कि जो टेस्ला की जो बिटकॉइन डिनाइल वाली फेस थी वो खत्म होते हुए दिख रही है, और बिटकॉइन को क्या अमेजोन एक्सेप्ट करने वाला है वो भी आपको आगे न्यूज़ में कवरअप करके बताएंगे, जिसके चलते मार्केट में अभी हमें इतना ज़्यादा पंप देखने को मिल रहा है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ ऐड कर रहे हैं दोस्तों, जिसके चलते मार्केट ओवरऑल बहुत ज़्यादा बूस्टेड है। साथ ही साथ अगर हम बिटकॉइन के साथ एल्टकॉइन की बात करें तो एल्टकॉइन भी गजब तरीके का पंप दिखा सकती है, अगर बिटकॉइन यहाँ से स्टेबल हो जाए। अगर बिटकॉइन यहाँ पर भी स्टेबल होती है तो सारी की सारी मेजर क्रिप्टो करेंसीज जो है आपको 20% तक की रिटर्न इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दे देगी, और अगर बिटकॉइन यहां से पंप करने लग जाती है दोस्तों तो हो सकता है रिटर्न्स में और बढ़ोतरी हो जाए, मतलब 30% तक की रिटर्न आपको देखने को मिल सकती है अगर बिटकॉइन $42,000 के मार्क को ब्रेक करके वहां सस्टेन कर जाती है। सबसे पहला बात है सस्टेन करना दोस्तों, क्योंकि मार्केट का फियर इंडेक्स अभी भी आप चेक कीजिएगा तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जब तक फियर इंडेक्स कम नहीं होता तब तक एल्टकॉइन में आपको उस तरीके से तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी जैसे बुलिश मूवमेंट में देखने को मिलती थी। मार्केट में बुलिश मूवमेंट पूरे तरीके से वापस आ रहा है दोस्तों, और अगर पूरे तरीके से ये सस्टेनेबल हो जाता है, मतलब कि लोग इस पर जब सस्टेन करेंगे तब आपको दिखेगा पूरे तरीके से मार्केट में बुलिश मूवमेंट। और अगर हम अल्टरनेटिव सिनेरियो की बात करें, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन हम थोड़ा अल्टरनेटिव सिनेरियो की भी बात कर लेना चाहिए दोस्तों, अगर यहाँ से बिटकॉइन नीचे जाता है तो काफ़ी कम चांसेस है नीचे जाने की, लगभग 10% से भी कम चांसेस है कि बिटकॉइन यहाँ से नीचे जाएगा। बट अगर कोई फड न्यूज़ आ जाती है, मतलब कि बैड न्यूज़ आ जाती है, तो बिटकॉइन ज़रूर से नीचे जा सकता है। और अगर मेजर हम सपोर्ट की बात करें बिटकॉइन की, तो वो अभी $32,000 पे है, तो थोड़ा अपना स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग कीजिए और जम के ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों आप सभी, क्योंकि ग्रीन सिग्नल्स निकल के आ रही है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों मैं एक बात जरूर से मेंशन कर देना चाहता हूँ, आप जितनी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं जरूर से स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिएगा, वरना हो सकता है दोस्तों आपको नुकसान भी हो जाए, तो स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए सीधे पर चलते हैं हमारे पहले आज के क्रिप्टो न्यूज़ की तरफ, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाने वाला है कि मार्केट आगे कहां तक पंप कर सकती है। और न्यूज आ रही है सीधे सीधे टेस्ला और माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से। जी हां दोस्तों, टेस्ला जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करती है ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, जिसके चलते हमें इतना बड़ा डंप भी देखने को मिल चुका है मार्केट में। और माइक्रो स्ट्रेटेजी तो आपको पता ही है दोस्तों, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है, तो उन दोनों की जो है दोस्तों
क्रिप्टो करेंसीज की एसेट रिपोर्ट आने वाली है, वो सभी कितना क्रिप्टो करेंसी होल्ड करते हैं, और ये रिपोर्ट आएगी नेक्स्ट वीक दोस्तों। और इसी समय आप सभी को टेस्ला की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, शायद से टेस्ला वापस से बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने लग जाए, ऐसे र्यूमर्स है दोस्तों, बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि नेक्स्ट वीक इन दोनों कंपनीज की रिपोर्ट आने वाली है क्रिप्टो करेंसी एसेट की, तो मार्केट के पंप करने की संभावना काफ़ी हाई हो जाती है, क्योंकि जैसे ही रिपोर्ट रिलीज होगी दोस्तों, अगर रिपोर्ट कुछ अच्छी निकल के आ गई तो मार्केट में फिर से आपको 20-30% की पंपिंग देखने को मिल सकती है, और जहां तक उम्मीद है रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। बात करें दूसरी न्यूज़ की, तो दूसरी न्यूज़ इससे भी ज़्यादा खास है दोस्तों, न्यूज़ आ रही है अमेज़ॉन की तरफ से, और अमेज़ॉन ने तो भैया कमाल धमाल कर दिया है, क्योंकि ऐसे र्यूमर्स निकल के आ रहे हैं जहाँ पर बात हो रही है 2021 के एंड तक अमेज़ॉन जो है बिटकॉइन को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर सकती है, और इसी चलते दोस्तों जो बिटकॉइन में आज की पंपिंग आई है ज़्यादा बड़ा प्रभाव इसी का माना जा रहा है। साथ ही साथ दूसरी खबर भी अमेज़ॉन के तरफ से ही ये बताया जा रहा है कि 2022 के एंड तक अमेज़ॉन जो है अपनी क्रिप्टो करेंसीज भी लेके आ सकती है, या फिर किसी क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ के काम कर सकती है। तो ये ओवरऑल अपडेट हुई अमेज़ॉन के तरफ से, जहाँ अमेज़ॉन भी हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से आते हुए दिख रही है। बात करें तीसरी न्यूज़ की, तो ये भी बहुत ही खास न्यूज़ है, और हम बात कर रहे हैं चैटीवुड की। जी हाँ, नाम तो आपने काफ़ी बार सुन लिया होगा अभी पिछले कुछ ही दिनों में, क्योंकि ये भी बी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस की एक बहुत बड़ी मेंबर थी, जहाँ की ये आर्क इन्वेस्टमेंट की एक CEO है दोस्तों, और इनके तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है, जहाँ इन्होंने ट्विटर पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, लगभग $90 मिलियन की इन्वेस्टमेंट इन्होंने ट्विटर पे करी है। अब आप कहेंगे इससे बिटकॉइन का क्या लेना देना है, ये इन्वेस्टमेंट इसके बाद हुआ है दोस्तों, जहाँ पे ट्विटर के CEO जो जैक डॉर्सी है उनके तरफ से एक स्टेटमेंट निकल के आया था कि वो बिटकॉइन के साथ आगे चल के बहुत सारे काम करेंगे, बहुत सारे काम करना है, और ट्विटर का एक इंटीग्रल पार्ट होगा बिटकॉइन। और इसी स्टेटमेंट के बाद से चैटीवुड की जो आर्क इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने $90 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करी है ट्विटर पे, जहाँ पे ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो और भी सारे कंपनीज जो है MNCs जो है वो बिटकॉइन को लेकर थोड़े कंसर्न हो जाएंगे, और वो भी बिटकॉइन के साथ आगे कुछ ना कुछ ज़रूर से करना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो बिटकॉइन के साथ काम करेंगे तो उनके पास भी शायद से इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये है ओवरऑल रीज़न जिससे कि और भी जो बड़े MNCs है, जैसे फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, वो भी शायद से आगे चल के बिटकॉइन के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर से स्टेप लेंगे। बात करें आज की अगर फोर्थ न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, अमेजिंग न्यूज़ है दोस्तों, और इससे आप सभी जरूर से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं। बात कर रहे हैं हम क्रिप्टो करेंसीज ATM की, और एक डेटा बहुत ही एक्साइटिंग डेटा निकल के आया है, जो मैं आप सभी के साथ एक्सक्लूसिवली शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर बताया जा रहा है जो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज या फिर बिटकॉइन की ATM है उसकी जो संख्या है वो 24,000 को पार कर चुकी है दोस्तों। ग्लोबल फिगर्स की ये बात हो रही है, और बताया जा रहा है कि 2021 के शुरुआत में ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 6,000 थी, और 2021 अब तक ख़त्म भी नहीं हुआ, मतलब मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं आधा जरूर से पार हो चुका है, और आधे साल में ही हमें जो है ओवरऑल पंपिंग देखने को मिली है क्रिप्टो करेंसीज ATM में, वो काफ़ी बढ़ रही है, 6,000 से 24,000 प्लस हो चुकी है। देखिए दोस्तों ईयर के एंड तक क्या होता है, और आप सभी को क्या लगता है कितने क्रिप्टो करेंसीज ATM हो जाएंगे पूरे दुनिया में इस साल के एंड तक। और हमारी आज की जो आखिरी यानी कि लास्ट क्रिप्टो न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा खास है दोस्तों, क्योंकि न्यूज़ आ रही है सीधे सीधे ऑस्ट्रेलिया से, और बात हो रही है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की ब्लॉकचेन एसोसिएशन की तरफ से, जहां पे काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है, कैन नॉट अफोर्ड टू वेट ईयर फॉर रेगुलेटरी क्लैरिटी एंड कंज्यूमर्स रिक्वायर कॉन्फिडेंस टू एक्सेस क्रिप्टो सर्विसेज, जहाँ पे वो क्रिप्टो की सर्विसेज और क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउ करने की बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पे, जहाँ पे अभी कस्टमर को उतना बिलीव नहीं है दोस्तों, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आगे चल के क्या होने वाला है। बट ऑस्ट्रेलिया की जो ब्लॉकचेन एसोसिएशन है उनका कहना है कि गवर्नमेंट को जरूर से कुछ ना कुछ क्लैरिटी जल्दी से देना चाहिए, जिससे कि इसका जो सीन है काफ़ी ब्राइट हो सके, और आगे चल के लोग जो है आसानी से क्रिप्टो सर्विसेज का यूज़ कर पाए और क्रिप्टो ट्रेडिंग कर पाए। इसके लिए उन्होंने एक सबमिशन भी फाइल किया है वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्हें, और बहुत जल्दी इस पर हमें रिजल्ट्स भी आते हुए दिख सकते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ गए दोस्तों, जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो जल्दी से हमें मार्केट में एक बहुत बड़ा पंप अप देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री पे अगर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर कुछ पॉजिटिव होता है तो आपको पता है वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो करेंसी पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और मार्केट में काफ़ी अच्छी पंप अप आ सकती है इस अपडेट को लेकर। तो जहाँ तक हमें लगता है दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज का जो फ्यूचर है वो आगे काफ़ी ज़्यादा
ब्राइट है। आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं, जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आ गया हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर से दे दीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम और भी ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्रिप्टो अपडेट्स आप सभी के लिए रेगुलरली लेके आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो।